एक ही है आवाज कर रहा है मेरे पीछे, देखते कितना बाती है। भालू। Hey guys, welcome back my YouTube channel. कैसे हैं आप लोग? ये ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला। मैं आज ट्रेवल करने वाला हूँ इस गाड़ी से। ये गाड़ी मेरा है और मैं इस गाड़ी से जाने वाला हूँ पटना। यार जो तेरा है सो मेरा है। मैं तो गाइस, मैं इस गाड़ी से आज ट्रेवल करने वाला हूँ पटना, मुजफ्फरपुर टू पटना। तो मैं पटना जाने वाला हूँ, मैं और राजकुमार। गाइस तो ये गाड़ी बहुत ही शानदार है ट्रेवल करने के लिए, बहुत लंबा रूट के लिए। तो हम लोग मिलते हैं रास्ते में। तो ये मेरा घर गांव से थोड़ा पैदल रूट के जाने के लिए बस 300-400 मीटर जाना पड़ता है। तो मैं अभी जा रहा हूँ राजकुमार के घर पे और उसके बाद जाएंगे वहाँ से स्टार्ट करेंगे ब्लॉग और जाएंगे। तो गाइस मैं अभी आ गया हूँ अपने घर से 3 किलोमीटर आगे पिलखी पुल पे, देख सकते हैं। तो गाइस हमने टंकी फुल करवा लिया है गाड़ी का और चलते हैं नई सफर की ओर। तो गाइस अभी हम काफी दूर चले आए हैं, लगभग 50 किलोमीटर लदौड़ा और यहाँ से बाकी 160 किलोमीटर बाकी है। तो अभी मैं और राजकुमार निकल चुके हैं सफर की ओर। और गाइस तो बहुत आज मजा आने वाला है। आज चिड़ियाघर, गोलघर, जो भी घर है सारा घूमेंगे। गाइस अभी हम पुल पार करने वाले हैं, देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा ये नदी है। पुल भी है, देख सकते हैं सिर्फ ये लोहा का बना हुआ है। Beep beep.
गाइस ये पटना का व्यू है, देख सकते हैं रात का। अभी हम रात में घूम रहे हैं और उसके बाद कल सवेरे गोलघर चिड़ियाघर घूमेंगे और उसके बाद घर आएंगे हम लोग। गाइस ये पटना का रात का व्यू है, मैं अभी रात में भी घूम रहा हूँ, अभी सारा दिन घूमता ही रह गया। तो गाइस जहाँ हम रात को आज रुके हैं वो राजकुमार का मामा जी का घर है, और ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे दिख रहे हैं ये राजकुमार का मामा जी का दोनों बेटे हैं, राजकुमार का भाई लगेंगे, मेरा भी भाई लगेगा। राजकुमार से हम पूछते हैं, राजकुमार ओ हेलो राजकुमार, तब यहाँ कैसा लग रहा है? देखो क्या कर रहे बच्चे के साथ, क्या खेल रहे हो? कहा बुआ तुम कुछ बोलोगे? नहीं बोल रहे हैं जो ये हमेशा पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं। छोड़िए। तो गाइस राजकुमार बुआ के साथ मस्ती कर रहा है, निकालते रहे हैं मस्ती, तो हम हाथ चिपका तो रहे हैं। पहले अपना दोनों नाम बताओ, तो नाम बताओ अपने अपने। मेरा नाम सबको पता है, पूरा एडिया को। एडिया हाँ, मेरे को नहीं पता है नाम, बता नहीं पता, नहीं पता। आयुष पता है, आयुष उसका नाम है। इसके बाद है हाँ हिमांशु नाम। तुम्हारा नाम क्या है? मैं टिप टिप बात कर रहा था तुमसे, टिप तुमसे। तो हम लोग के साथ चिड़ियाघर गोलघर कौन कौन घूमने जा रहा है? घुमाएगा कौन? मैं। घुमाएगा कौन? कहाँ घुमाएगा? चिड़ियाघर। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज सुबह का 6 बजे और मैं आज जाने वाला हूँ चिड़ियाघर, और ये पहन के रेस हो गया और यही पहन कर जाऊँगा। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं चिड़ियाघर और मैंने अपना बाइक यहाँ पे लगा दिया है, मैं और राजकुमार, और जाएंगे अंदर और देखें कितने प्रकार का यहाँ पे जानवर रखा गया है, तो सबको दिखाएंगे व्यू हम। तो पहले हम टिकट कटा लेते हैं, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। तो गाइस चलते हैं टिकट कटाने। देख सकते हैं आ गए हम पटना जू, क्या नाम है, पटना जू, और आज हम जाने वाले हैं अंदर। टन टना। तो गाइस यहाँ पे हम लोग टिकट अपना कटा लेते हैं, उसके बाद अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे। दिनेश यहाँ पे पैसा टिकट का पे कर रहा है, यहाँ पे टिकट का एक टिकट का कीमत है 30 रुपया, तो 2 आदमी है तो 60 रुपया हम लोग को पे करना पड़ेगा। तो उसके बाद अंदर का नज़ारा हम सब लोग को दिखाएंगे। तो गाइस हमने टिकट कटा लिया, उसके बाद जाएंगे अंदर। गाइस हमने टिकट कटा लिया, उसके बाद अंदर जाएंगे और अंदर का व्यू दिखाएंगे कि कितने प्रकार के जानवर हैं। और 2 टिकट लिए हैं मैंने राजकुमार का, तो चलते हैं अंदर। ना फीचर है ना। तो गाइस हम एंट्री कर लिए हैं यहाँ का, देख सकते हैं बहुत अच्छा नज़ारा देखने को लग रहा है, बहुत अच्छे अच्छे फूल भी है, देख सकते हैं कितना कलरफुल ये पौधे हैं, पेड़ लगाया गया, कितना अच्छा फूल है, कितना अच्छा ये नज़ारा देखने को लग रहा है। कहाँ किधर कौन है हमको पता ही नहीं है, हम लोग सीधे घूमेंगे। तो गाइस हमने चिड़ियाघर में एंट्री मार दिया, तो अब स्टार्ट होता है गाने के साथ। लो सफ़र शुरू हो गया, हम सफर ये जंगल हो गया, तो जंगल घूमेंगे आज हम, शहर में जंगल घूमेंगे। ऐसे तो मेरे गांव में, अपना गांव में जंगल है ही है, पर इसमें भी गांव घूमेंगे, जंगल घूमेंगे और देखेंगे तरह तरह का जीव जंतु और बग। सो गाइस मैं रास्ता भुला चुका हूँ और अभी एक अंकल से पूछे हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनसे पूछे हैं कि किधर जानवर इधर दिखने को मिलता है, हाथी शेर जहाँ भी हो जो भी हो, तो हम लोग उधर जा रहे हैं और आपको पहले वहाँ का व्यू दिखाएंगे और उसके बाद पहले जाते हैं वहाँ पे, थोड़ा स्किप करते हैं यहाँ का क्योंकि बहुत समय है, तो इतना लंबा वीडियो बनाएंगे तो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो
थोड़ा थोड़ा ही आप लोगों को व्यू दिखाएंगे। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं मछली घर के पास, और इसके अंदर जाने के लिए हम लोग को पहले टिकट कटाना पड़ेगा, जो टिकट का शुल्क 10 रुपया एक व्यक्ति का पड़ता है। तो पहले टिकट हम लोग ले लेते हैं दोनों आदमी, उसके बाद मछली घर आराम से घूम। तो गाइस अभी हम मछली घर जा रहे हैं, टिकट कटा लिए हैं, उसके बाद मछली घर देखेंगे। मछली घर में मतलब है क्या, कितना मछली है। ऐसे तो हम मछली रोज मारते, मतलब मारते नहीं है, देखते हैं, क्योंकि मेरा घर नदी का किनारे में ही है। अभी देखते हैं, मछली तो कोई लग नहीं रहा, दिख जाए तो आप लोग को बताएंगे, हम दिखाएंगे भी। तो गाइस बहुत उत्सुक हूँ जाने के लिए, तो आप लोग वीडियो पे बने रहो और आप लोग को पूरा भी दिखाएंगे और चारों तरफ का नज़ारा दिखाएंगे आप लोग को। तो वीडियो को बने रहो, स्किप मत करना। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं अंदर मछली घर में, और आप लोग को दिखाएंगे तरह तरह का मछली यहाँ पे है। और सबसे पहले मिलाते हैं एक मछली इधर, यार कोई मछली है ही नहीं है बड़ा है, देख सकते हैं गाइस, ये मछली मैंने कभी नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम देख रही है ऐसा वाला। और इसमें एक ही है, तो इधर भी देखते हैं इसमें है या नहीं, नहीं है। सो गाइस आप देख रहे हैं ये मछली, मैंने मेरे गाँव में भी ऐसा मिलता है, और मेरे गाँव में भी ऐसा मछली, ये लग रहा है, ये मछली देखने का लग रहा है टाटा की मछली है, ब्लैक एंड वाइट। और ये देखते हैं ऐसा मछली भी मेरे गांव में मिलता है, पर ये कलर वाइट कलर जो है ये नहीं है, वाइट वाला मेरे इधर रहता है, तो इधर मुझे वाइट वाला एक मिल गया, तो वाइट वाला भी है। और ये देखिए बहुत बड़ा मछली, इसे कौन सा मछली कहा था मुझे पता नहीं है, कलर इसमें बहुत सारा मछली है। बहुत सारा इस राजकुमार भी मछली घर घूम रहा है, रोज मछली दिखता है। ये कौन सा ब्रांड का मछली है भाई? वाह, हमने मछली देख लिया, उसके बाद जाते हैं हाथी घर, घोड़ा घर, जो भी घर हो उसमें घूमेंगे। तो मछली घर से निकलते हैं, तो देखिए मछली घर का गेट कैसा बना हुआ है, एकदम सेम मछली की जैसा, देखिए मछली का मुंह जैसा है, रोहू मच्छी। चलो तो चलते हैं पहले हाथी घर घूमते हैं। गाइस हम लोग ये रास्ता से इधर जा रहे थे, तो मुझे एक थोड़ा सा तालाब टाइप का दिखा, तो अभी हम तालाब टाइप में जैसी नज़र दिए तो मुझे मगरमच्छ नज़र पड़ा, देख सकते हैं। ओए यार लाइट, मेरा अब सकला भले ही ब्लैक आया, पर आप तक देख सकते हैं। अब आप लोगों को हम बैक कैमरा से दिखाते हैं गाइस। गाइस चलते हैं यहाँ से, ये रास्ता है, तो निकलते हैं इधर से, जाते हैं हाथी घर, घोड़ा घर, जो भी घर हो। ओ चचा, चचा इधर हाथी घर किधर है? हेलो चचा, जो आप काम कर रहे हैं सो चचा, चचा कान से बही ना, हाथी घर किधर है? हाथी घर वही पूछ रहे थे चचा। थैंक यू चचा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं हाथी घर, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे दिनेश इतना खुश है कि लग रहा है कि यार क्या देख लिया है पता नहीं, ये बहुत खुश नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग नाव पे नहीं घूमेंगे, क्या कि हम लोग दिन रात नाव पे घर पे ही घूमते हैं, अब पैसे भी बहुत ले रहे हैं, तो हम पहले हाथी घर घूमेंगे, फ्री में घूम ही लेंगे तो पैसा क्या लगा ना, बंद कर दे भाई हाथी घर घूमेंगे। मुझे उधर कुछ दिखा, तो अभी हम उधर जा रहे हैं, देखेंगे क्या है, क्या है, अरे राउंड टूल में क्या बोलता है वो, क्या क्या आती है जो हम भी देखे जा रहा, ऐसे कुछ डायलॉग है ना, हम भी देखें कौन सा जानवर इधर है। ओ माय गॉड हिरन, शॉकिंग, ओ माय गॉड मुझे हिरन दिखा एक है ना मंकी देखा उस टाइम, वो गाइस मुझे हिरन दिखा, देख सकते हैं यहाँ पे हिरन, बहुत सारे हिरन है, सारा सूखा हुआ है, खाते क्या होगा यार, इसमें हरे हरे घास लगाना चाहिए, और तभी इसको खतरा लिखा हुआ है इधर में। नहीं क्या क्या बंदर है गाइस, इसमें एक बंदर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बंदर नाम लिखना चाहिए था कम से कम, और एक दिख रहा है वहाँ पे, एक नहीं हुआ है, और दो है कहीं, बंदर का मामा कहीं होंगे, नहीं बंदर। गाइस यहाँ पे खतरा लिखा हुआ है, पर ये मुझे कोई खतरा दिखा ही नहीं,
बस दो प्यारे प्यारे ब्लैक ब्लैक क्या नाम इसको नहीं जानते, बंदर कहिए, बंदर का शक्ल का दिख रहा है तो बंदर ही होगा, तो मुझे वो दिखा है और कोई खतरा मुझे नजर आ नहीं रहा है। दूसरे जगह जिसने यहाँ पे लिखा हुआ दरियाई घोड़ा, तो यहाँ कोई करियाई घोड़ा नहीं दिख रहा है, दरियाई तो नहीं लेकिन करियाई पानी करियाई पानी है, तभी हम दरियाई घोड़ा घूमेंगे। थोड़ा सा फिल्टर करके दिखा रहे हैं, नहीं तो साफ नहीं आता। फिल्टर अब बेइज्जती कर रहा है मार के। ओ गाइस दिख गया मुझे दरियाई घोड़ा, नहीं दिख गया मेरे, आप दिख रहा है, वो दिख रहा है, आपको पीठ दिख रहा है। हेलो चाचा। तो गाइस ये आपको पीठ दिख रहा है, वो दरियाई घोड़ा है, लगता है कि मर गया। अरे दरियाई घोड़ा निकल जाए, ये दरियाई घोड़ा एक ही घोड़ा है, लग रहा है बेचारा सदमे में आया, आत्महत्या कर लेगा पानी निकल जाए बहन का लोड़ा। राजकुमार इसके लिए कोई पंच लाइन बोलेगा यार, बेचारा सदमे में लग रहा है। तो गाइस हमने दरियाई घोड़ा घूम लिया है और उसके बाद जाएंगे घोड़ा घूमेंगे, घोड़ा देखेंगे जो भी मिल जाएगा देख लेंगे, जो भी देखेगा सब देख घूमेंगे। इधर क्या है, तेंदुआ ही नहीं गाइस, देख सकते हैं यहाँ तेंदुआ का सिर्फ फोटो है, तेंदुआ लिखा हुआ है। केस संख्या 36, देख लो क्या केस मिल गया ब्लैक, इसमें है कि नहीं, चलो देख लेते हैं। अनाज भोजन अनाज घास पत्ते इत्यादि राजकुमार को भी खाएगा। राजकुमार गांड भी दे देना। दिख गया ऊपर से करके, ऊपर से दे चाचा, मुझे भी नहीं पता, हम फर्स्ट टाइम आया है, फर्स्ट टाइम आया चाचा, नहीं पता किधर बाथरूम बाथरूम जो भी हो नहीं है। हम अभी दूसरी जगह गए हैं, जिराफ, ओ माय गॉड, यहाँ दूसरे लोकेशन पे आ गए जिराफ। इधर से तो गाइस इधर 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 दिखा गाइस, मुझे बहुत बड़ा जिराफ दिखा, बहुत बड़ा, इतना फोटो में दिख रहा था उससे लाखों हजारों गुना कितना बड़ा, नहीं फोटो से बहुत बड़ा देख सकते हैं गाइस। किधर गया, अबे यार दो तीन आ जाना मेरे फोटो में चाचा दोस्त, हेलो, अबे उधर देख बहुत बड़ा है गाइस, मैंने फोटो में इतना इतना छोटा देखा था, इतना छोटा छोटा, अभी देख सकते कितना बड़ा है, कितना बड़ा, कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। बैक कैमरे से दिखाते हैं आपको हम, देख सकते दोनों ही आज की लड़ा रहे हैं अपने, लग रहा है कि कपल्स है दोनों, आपस में प्यार कर रहे हैं काफी, यार हट गया शर्म से, कैमरा के सामने आ गया, शर्म आ गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो गेंडा है, घूम रहा है काफी ज्यादा, सब सुबह का समय तो अपना वो क्या करता है, जॉगिंग कर रहा है, चलिए आगे दिखा देता हूँ, दिनेश आगे आगे दौड़ रहा है, तो चलिए दिखा देता हूँ क्या कर रहा है बे। गेंडा हमारे जगह से मिला है गेंडा, देख लो, तो देख सकते हैं यहाँ पर इसको दिखा देता हूँ, उसके बाद दिनेश का शक्ल देखिएगा, दोनों का सेम लगता है, या देखिए वैसा ही है। तो गाइस हमने गेंडा गेंडा को देख लिया और घोड़े को देखेंगे, घोड़े का देखेंगे, अरे घोड़े का देखेंगे, घोड़ा देखेंगे, घोड़ा देखेंगे। तो दिनेश यहाँ पर काफी ज्यादा बावला हो चुका है और खुशी के मारे इसको फूले नहीं समा रहा है। इसको गाइस मेरा अगर कोई गर्लफ्रेंड बन ना तो सबसे पहले मैं ये घुमाने के लिए लाऊंगा, अरे गेंडे से शकल के तेरा भोसरी के गेंडा जैसा शकल दिख रहा है गर्लफ्रेंड, कितना खूबसूरत है, कितना स्मार्ट लग रहे हैं, गेंडा से शादी क्यों नहीं कर लेता है। चुप, ये लगा तुम भोसरी वाले हो, माइक तो सबसे साफ साफ लगाया, क्या बोल रहे हैं, ये भोसरी का माइक हटा के रख रहा है यार, यार बोलना ना सुनना लग रहा है, देख लो यार मोबाइल भी सही से नहीं पकड़ने आता है इस चूतिए को, इसको कौन ब्लॉगर कहेगा यार, यार हाँ डूब गया, धैले धैले यार, लाइक कर देना वीडियो के यार, फिर से गिरा दिया इसने, छोड़ो यार यहाँ पे लकड़बग्घा मैंने देखा, तो लग रहा है जैसे कि जन्मों से बिछड़ा हुआ है दिनेश, इसका रिश्ते में कोई लग रहा है, फोटो देखा लग रहा है, दोनों एक मिनट सामने खड़ा होता है, दोनों का सेम शक्ल लग रहा है यार, लकड़बग्घा चलिए आगे है लकड़बग्घा, तो हम आपको दिखा देते हैं
लकड़बग्घा, उसके बाद घोड़ा घूमेंगे। साला इसको देख के नहीं लग रहा है कि मतलब कि जानवर को देख रहे हैं कि आदमी को, पता नहीं लग रहा है जानवर ही क्यों देख रहे हैं, आदत पड़ गया यार देखते देखते। तो यार देख सकते हैं यहाँ पर पूरा घुमा फिरा के फिर वहीं पर ले जा रहा है, चुतिया बना रहा है साला। हाथी देखने जाते हैं, छोड़ो चलो यार गाली का यूज मत करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कोई आशिक, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नाम, चलो बैग से दिखा देता हूँ। ये तो इसको देख के लग रहा है कि आशिकी टू है यार, पूरा का पूरा नाम ही लिख दिया ड्रिल के साथ। इधर 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 घूमना यार, इधर जो पीछे आप देख रहे हैं इधर हाथी है, तो हाथी को देखेंगे, देखेंगे और मजा करेंगे, मस्ती करेंगे। यार आदमी को दिखा रहा है, सलाह ही पता नहीं, छोड़ो पहले हाथी दिखाता हूँ। तो गाइस मुझे हाथी दिख गया, काफी समय बीतने के बाद मुझे हाथी दिखा, हाथी को देखते हैं, दो ट्रेनर भी इसमें हाथी का, तो दिखाते हैं हाथी की तरह राइड हो रहा है। आवाज कर रहा है, तो गाइस मैंने हाथी देख लिया है, लग रहा बहुत ही और गुस्सा में है क्योंकि हम लोग इसे देखने आए हैं और सही से अपना शकल धोकर नहीं रखा, इसलिए बहुत गुस्सा दिख रहा है हाथी। दिनेश को देख के शकल देख के गुस्सा गया, शादी करने के लिए आया देख रहा है, दिख रहा है शर्मा गया, शर्मा गया। सिखाया हुआ था क्या पता नहीं, तंगा जूमिंग करके दिखा देते हैं, जूम नहीं करो। तो गाइस हमने हाथी देख लिया, उसके बाद देखते हैं कोई दिखेगा और कोई जानवर दिखेगा तो हम लोग देखेंगे, उसके बाद जाएंगे घर। पहले दिखाते हैं आप लोग को इधर से भी, अबे किधर गया, जब फोटो खींचने देगा साथ में हाथी। इधर आते सकलवा कितना स्मार्ट लगता है, हाय फिल्टर मार लिया। फिल्टर नहीं मारे गाइस, देखिए आप लोग को फिल्टर नजर पड़ जाएगा, देखिए इधर मैं कैमरा करता हूँ कितना ब्लैक हो जाता हूँ, और इधर रियल दिखाई दे रहा है अभी, अभी ये मेरा रियल है, नहीं ये फिल्टर हो गया, माथा में छेद भी आ रहा है, लाइट सूर्य की रोशनी आ रहा है इधर से। तो गाइस हमने हाथी घर हाथी को देख लिया, उसके बाद देखेंगे और किधर कोई कोई अच्छा दिखने वाला है तो देखेंगे, और यहाँ पे कुछ स्कूल का बच्चे भी देखने के लिए। सो गाइस ये इधर का लास्ट छोर है, और उसके बाद इधर घूमने जाएंगे, और इधर जाने के बाद देखेंगे कि मतलब उधर कितना सारा क्या है जो भी है। अभी इस एरिया से घूमे, इधर जो एरिया है इधर का घूमे, हाथी हो, मगरमच्छ हो, और लकड़बग्घा हो गया, बहुत सारे जानवर को मैंने देखा, और इधर की उधर नहीं कुछ है, चलो ना होगा ना। तो गाइस मुझे लगा ये चिड़ियाघर बहुत बड़ा है, पर मैंने एक ही डेढ़ दो घंटे में घूम लिया, तीन घंटे में पूरा एकदम चप्पा चप्पा गले गले घूमा का है, अभी बचा हुआ है पूरा, बच्चा जैसे मत बोला, इतना इतना बड़ा जैसे इस पहली बार दूसरी तीसरी चौथी बार आया है, ये फर्स्ट टाइम आया, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, ठीक है। तो गाइस इधर अति घूमने बैठने के लिए चारों तरफ कोपचा है, तो गाइस अभी हम कोपचे में जा रहे हैं, तो कोपचा में घूमेंगे आज हम, इधर देख कोपचा गाइस, मुझे इधर कोपचा दिखा और सेटिंग रहती तो मैं इसे कोपचे में ले रहा था। कुछ भी कर मज़ा बहुत आ रहा है, इसमें क्या है इधर, इसमें इधर आए थे ना तेंदुआ इधर, हाँ। तो गाइस मैंने हम लोग घूम फिर कर आ गए तेंदुआ के रूम में, पता नहीं तेंदुआ है क्या नहीं, ये तेंदुआ था उस टाइम देखे थे, अरे तेंदुआ कहाँ था यार, कुछ और था वो, कुछ और था गाइस, इसमें सियार है, चलो देख सियार, गाइस गाइस मुझे सियार दिखा, किधर सियार। तो गाइस घूम फिर कर मैं एक ही जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे घर निकलने की रास्ता, घर की ओर जाने की रास्ता, तो शायद हम लोग लग रहा है कि हम लोग को अब बाहर निकल जाना चाहिए, बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत दुखी हो रहा है मन, और कुछ यहाँ पे आने देख लेते आगे कहीं कुछ और मिले, आगे कुछ दिख जाए तो आप लोग बताना, अगर आप लोगों का कहीं आप लोग यहाँ पर आए हो तो दिखाना, जो भी आप लोग को वीडियो में दिखाए हम और उससे कम दिखता है तो आप लोग मुझे कमेंट करना यार, कहीं आप लोग को कुछ ज़्यादा हो तो दूसरी बार आएंगे और दूसरी बार दिखाने का कोशिश करेंगे। तो पहले घूमते हैं उसके बाद निकलेंगे, गोलघर जाएंगे ना, गोलघर जाएंगे और उसके बाद बोधगया जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, एक तारीख को जाएंगे नया साल के दिन बोधगया। सो गाइस काफ़ी समय के बाद, काफ़ी लंबा रूट घूमने के बाद हम लोग का पैर दुख गया, तो थोड़ा आराम कर लेते हैं और उसके बाद घूमेंगे, क्योंकि बहुत बहुत
जानवरों को देखना अभी बाकी है, तो हम लोग पहले बैठते हैं और उसके बाद थोड़ा घूमेंगे। इधर आते हुए यार बैठते हैं, यार इधर आ जा, इधर बैठते हैं, इधर अबे इधर आना यार। सो गाइस हम लोग बैठ चुके हैं और काफ़ी थक चुके हैं, तो बहुत पैर दुख रहा है उसके। तो राजकुमार कुछ बोलेगा इसमें? अरे मुझे शुगर दिखाई दे रहा है यार। शुगर किधर? गाइस ये खुद शुगर है। आराम कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद इधर कुछ आवाज़ आ रहा है गाइस। इधर हेलीकॉप्टर जो जहाज होता है, प्लेन लैंड हुआ है, वो भी गिरा है, मतलब पूरा उड़ान मारा है, तो आप लोग आवाज़ शायद सुनाई पड़ रहा है। तो वही गिरा भी सामने आती है कि डब्बा है गिरा? नहीं नीचे नहीं देखा, उसमें ऐसे लैंड किया था, लैंड किया था। तो गाइस थोड़ा देर आराम कर लेते, उसके बाद दिखाएंगे और घूमेंगे, उसके बाद जाएंगे गोलघर और उसके बाद घर की ओर जाएंगे। घर मतलब घर जाएंगे, घर की ओर नहीं, घर के हाँ घर की ओर जो भी हो उधर ही जाएंगे। यार एकदम सही से बोला करना। अरे यार थोड़ा खुशी के लैंड बोलता है, लैंड लैंड के लैंड हम लोग काफ़ी समय घूमने के बाद थक जाने के बाद फिर से घूमा और फिर वहीं पहुंच गया हाथी के पास। हाथी मेरे साथ ही आ जा, इधर 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 आ जा, इधर। तो गाइस काफ़ी समय बीत जाने के बाद हम लोग जा रहे हैं घर की ओर और बहुत मज़ा आया घूमने में और शायद आप लोग को भी मज़ा आया होगा। और हम लोग अभी जा रहे हैं घर, जा रहे हैं नहीं पहले गोल घर जाएंगे, उसके बाद घर की ओर जाएंगे। तो गाइस वीडियो को स्किप मत करना, थोड़ा और आप लोगों को दिखाएंगे हम बाहर का गोल घर का नज़ारा भी दिखाएंगे, घुमाएंगे और वहाँ पे हम लोग वीडियो भी बनाएंगे, रील्स भी बनाएंगे। यहाँ पे नहीं बना पाए क्योंकि कैमरा नहीं पकड़ने आता। सो गाइस मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे लौंडे को देख रहा हूँ जो बहुत काला कल उठा है, उसकी गर्लफ्रेंड इस बढ़िया राय को फेल करती है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं इतना स्मार्ट हूँ, चिकना हूँ, ब्यूटी मार के यार जो भी हो जो भी है गाइस आप लोग को दिख रहा है ना मैं बहुत स्मार्ट हूँ ना, तो कम से कम एक सेटिंग तो बनता है यार। यहाँ आने के बाद भी एक फिल्टर हटा के एक वीडियो दिखा देना यार, एक मिनट फिल्टर दिखाते हैं। और गाइस ये मेरा ओरिजिनल फिल्टर है यार, अभी भी नहीं है। तो गाइस बहुत दिल से बुरा लग रहा है मुझे, बहुत मन कर रहा है कि चुल्लू भर पानी में ऐसे पानी लेकर मर जाने का। और तुम्हें इसको दुख नहीं होना चाहिए पर मुझे बहुत दुख हो रहा है और यहाँ आकर और अफसोस हो रहा है कि मैं यहाँ पे क्यों आया। गाइस आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग पीछे देख पा रहे हैं, क्या लगाने करो गिर जाएंगे यहाँ पे, देख सकते हैं गाइस। गाइस छोटा छोटा व्यू है यहाँ का, भैया मजा आ रहा है घूमने में चलाने में। हाय कर दीजिए भैया, आप भी कर दीजिए। जो भैया हैं और उनकी सेटिंग सेटिंग नहीं है, दोनों मियाँ बीवी हैं, तो हम लोग जाते हैं ऊपर। गाइस हमने डिसाइड कर लिया है कि अब सेटिंग अगर होता है मुझे कभी भी तो यहाँ ज़रूर लाऊंगा घुमाने के लिए। देख सकते हैं कितना अच्छा प्लेस है यहाँ का, बहुत ही मस्त है। तो मैंने आज कसम खाया, इसका कसम खाया है यार कि मैं यहाँ पे घुमाऊंगा तब तक पार्क रहेगा या नहीं रहेगा पता नहीं, ये पार्क नहीं तब तक मैं रहूंगा या नहीं। काफी समय होने के बाद अभी हम गांव के रास्ते में आ गए, चिड़ियाघर घूमते घूमते हम गांव के रास्ते में आ गए। देख सकते हैं गाइस ये गांव का रास्ता है, ये हमारे इधर गांव में बहुत ऐसे रास्ता रहता है। मैंने हम लोग रास्ता भटक गए हैं, अभी गांव के रास्ते में आ गए हैं। देख सकते हैं ना रोड है ना कुछ कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अरे इधर सेटिंग के साथ लाने वाला बहुत अच्छा है गाइस, इसलिए मुझे बहुत सही में यार कोफ्ता सही में बहुत अच्छा है। देख सकते हैं गाइस बहुत बड़ा एरोप्लेन मुझे दिखा, पहले से चल भी नहीं गले वाले। गाइस ये जो जंगल देख रहे हैं ये मैं गांव के जंगल में भटक कर आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं कौन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सब अपने अपने सेटिंग को लेकर यहाँ इधर इधर की ओर आते हैं। तो मेरा कोई सेटिंग नहीं है, बस आ गया तो मैं घूमने आ गया, बस देखने आ गया कि कैसे कैसे यहाँ रास्ता है, तो उसमें उसी हिसाब से सोचेंगे सेटिंग करने का और यहाँ आएंगे घुमाने उसके लिए उसके साथ घूमेंगे। भाई जाते हैं मौज आ रहा है, जा रहा था तो एक अंकल से पूछा, अंकल ये सांप किधर है, तो बोला शेर के बगल में। मैंने पूछा शेर किधर है, तो बोला सांप के बगल में। यार पर ये नहीं बताया किधर जाना है, तो मैं भी घूम रहा हूँ काफ़ी समय से बुला रहा हूँ। मैप देखते हैं, हो
शेर है गेट नंबर 6। तुम शेर को देखेंगे इधर, चलो पूछते हैं किधर, कोई बताता है इधर जाओ ये उधर जाइए, पर सही से कोई बता नहीं रहा है कि शेर किधर है। तो गाइस मुझे बहुत शेर से मुझे बहुत डर लगता है, और मुझे तो डर लगता है, इसको सुसु भी आता है पैंट मगर शेर को देखता है तो टीवी में देखता है तब भी, और ये रियल में देखेगा तो क्या क्या करेगा मुझे पता नहीं है गाइस। तो आप लोग को दिखाएंगे, आप लोग वीडियो में बने रहो और शेर के पास चलते हैं गाइस। ये गाइस काफ़ी समय घूमने के बाद हम लोग आ गए हैं जेब्रा के पास, देख सकते हैं कितना कलरफुल है वो, कलर वाइट ब्लैक 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 एंड वाइट। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, देख सकते हैं गाइस मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है वो जेब्रा है। तो गाइस गाइस शक्ल कितना अच्छा रहा है, तो बैक कैमरे से आप लोग को दिखाते हैं, आप लोग देखो एंजॉय करो। सो गाइस हमने जेब्रा देख लिया, अब जाएंगे शेर और चीता देखेंगे उधर, और सांप भी देखेंगे। तो गाइस मुझे हंस दिखा है इधर नीचे, दो ही था ब्लैक ब्लैक, और देखते हैं इधर। अभी मैंने बहुत इधर भी घूमते, इधर खाली चिड़िया का प्रजाति है गाइस, यहाँ चारों तरफ देख रहे हैं चिड़िया का प्रजाति, जितने तरह का चिड़िया है सभी प्रकार के चिड़िया का प्रजाति यहाँ पाया जाता है, देख सकते हैं सभी तरह का। इधर बाज भी मुझे चील दिख रहा है इधर गाइस, आप लोग देख रहे हैं ये चील है, एक मिनट इधर घूमने जाओ, ये जो आप देख रहे हैं ये चील है, इसमें अंदर इसमें इसमें चील है, और इधर क्या है शांति में रखे, इसमें किट ब्लैक, क्या है किट ब्लैक, इसमें कुछ किट ब्लैक मुझे नहीं पता, उल्लू है हाँ ये उल्लू है, इसे मुझे इसे इंग्लिश हिंदी नहीं पता, इंग्लिश नहीं पता इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किट ब्लैक बोलते हैं, गोल्डन किजेंट इसमें कुछ है ही नहीं, और इसमें क्या है, इसमें मोर टाइप का कुछ दिख रहा है गाइस मुझे वहाँ पे, जो आप दिख रहे देख रहे हैं ये मोर टाइप का मुझे दिख रहा है, और यहाँ भी कुछ है, इसमें क्या है जब देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक कुछ है, और इधर और चिड़िया का प्रजाति आप लोग को दिखा रहे हैं गाइस। और मैं अभी इतना ही देखकर हम लोग घर जा रहे थे, मुझे पता ही नहीं था कि इधर तरह तरह का चिड़िया है, और इधर तोता भी है, क्या बोलते हैं इसको, देसी गणेश, ये इसमें एक एक दिख रहा है देसी गणेश इसके अंदर, तो आपको हम पैक कमरे से पूरे दिखाएंगे हम। मुझे अतरंगी सतरंगी तोते दिखाई दिया उधर अंदर नीचे, और इसमें भी अतरंगी सतरंगी तोते हैं के संख्या 27, ये देखिए बहुत ही छोटे छोटे इसमें इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है, कौन सा बजरीगर, इसमें बजरीगर नाम का चिड़िया है इसमें, और इसमें बजरीगर है, फिर इसमें भी बजरीगर है, देख सकते हैं गाइस बजरीगर या बहुत सी आवाज़ आ रहा है आप लोगों को देख सुनाई पड़ रहा, और ये है फिंच जेब्रा, फिंच जेब्रा, फिंच जेब्रा, फिंच फिंच जेब्रा, फिंच जेब्रा, चलो आगे चलो, इसमें कोकाटिल छोटा है एक बड़ा है ना। तो गाइस इधर जो आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ ये चिड़ी, जितने प्रकार की चिड़ियाँ हैं उसका प्रजाति इसमें पाया जाता है, इसमें ऐसे नहीं देखे हम, क्या बोलते हैं उसको, अरे मोर, मोर नहीं देखे, मोर देखेंगे ना, ये मोर चिड़िया का नाम है केसवरी, और एकदम मोर टाइप का है, देख सकते हैं यहाँ नाम लिखा हुआ है, और आपको दिखा रहे हैं केसवरी, देख सकते हैं गाइस एक बकरी का टाइप का दिख रहा है, ये बहुत बड़ा है गाइस, मुझे एक चिड़िया नज़र पड़ा बगल में है, ये शुतुरमुर्ग है क्या, देख सकते हैं गाइस पीछे मेरे पीछे शुतुरमुर्ग है, बैक कैमरे से दिखाए नहीं दिख रहा, अच्छा दिख रहा है, दिखाने का जरूरत नहीं बैक कैमरे, चिड़िया का नाम है निखार कौन है, शुतुरमुर्ग होगा ना, चलो उधर उधर चलते हैं, मैंने वो पीछे जो दिखाया वो शुतुरमुर्ग नहीं था, कुछ और चिड़िया का नाम था, पर मैंने शुतुरमुर्ग तो उधर है पीछे वाले पे, पहले मैं आपको भालू दिखाता हूँ, पीछे देख सकते हैं और पीछे भालू है, दो दो भालू है, एक नीचे बैठा हुआ है, और किधर यार इधर आते हैं गाइस आगे आते हैं, आपको भालू दिखा रहे हैं, देखिए कैसे सोया हुआ है भालू है, एक ऊपर है सदमा में जाए हम लोग आते हैं जो जो चीज़ को देखने जाते हैं वो सदमा में चला जाता है, देख सकते हैं बहुत ही ऊपर कैसे चढ़ गया मुझे पता ही नहीं है, तो आपको दिखाते हैं चारों तरफ का व्यू दिखाते हैं, कितने सारे लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं,
और आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। भालू लगता है रो रहा है। हम लोग आए हैं तो सदमे में है। चलो चलते हैं इधर। तो गाइस अभी हम आप लोगों को शुतुरमुर्ग दिखाएंगे। हम इधर आओ, इधर 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 शुतुरमुर्ग कितना बड़ा है ना, देख सकते हैं गाइस कितना बड़ा शुतुरमुर्ग है यहाँ पे। जो आप मैंने आप पहले दिखाया था वो मुझे नहीं पता था उसका नाम, और लिखा भी नहीं था बोर्ड पे, पर यहाँ पे लिखा हुआ है शुतुरमुर्ग। तो ये शुतुरमुर्ग है। और आओ और शेर और चीता को अभी आप लोग। गाइस मैंने शुतुरमुर्ग आज देखा है, सच में बहुत मज़ा आ रहा है देखने में, बहुत मज़ा आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा इसका मुंडी है, बड़ा सा मुँह है। इसको इधर आकर हम आप लोग को दिखाते हैं। बहुत बड़ा इसका जो गर्दन होता है वो बहुत बड़ा गर्दन है। देख सकते हैं किधर गया यार, दिखाई पड़ जाए ऊपर कर मुड़ी यार। देखो पंख कितना बाती है, उठाया। चिड़ियाघर का मज़ा ही कुछ और घूमने का ना। तो गाइस हम लोग चिड़ियाघर घूम रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। तुम्हें मज़ा आ रहा है क्या बात है, तुम अपने अपने लिए ब्लॉग नहीं बना रहे यार। ब्लॉग बना रहे तुम बना रहे मेरे लिए, तो अभी मैं यही बनाएगा। मैं नहीं बनाऊंगा, मैं पहले अपना वीडियो डालूंगा, इसमें कॉपीराइट लगाऊंगा। तो गाइस हम लोग आते हैं बाघ के पास। अरे बाघ मुझे दिखा नहीं, वो दिख गया वहाँ पे बैक कैमरे से आप लोग दिखाते हैं बाघ। सो गाइस मैंने राजकुमार को बाघ का भोजन बना कर लाया था, पर वो आ नहीं रहा मेरे पास, तो आज खिलाते हैं। सो गाइस हमने बाघ को देख लिया और चीता को देखेंगे, तो यहाँ चलते हैं ना, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, स्किप करते हैं यहाँ का और आगे देखते हैं क्या है। क्या है उधर, बहुत बाघ है क्या उधर, चीता है, यहाँ रेड बाघ है यार, बाघ ही है नहीं, बाघ ही था पर वाइट था, और ये ब्लैक अति ब्लैक में रेड वाइट रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक बहुत बड़ा बाघ है। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे किधर गया देख रहा है, वहाँ पे देख सकते हैं गाइस पीछे मेरा बाघ दिख, मेरा नहीं सबका बाघ वहाँ पे दिख रहा है। आपको पैक करने से आपको दिख देखिए 10-20-30-40-50 रहना चाहिए। देख सकते हैं गाइस काफी लोग यहाँ देखने के लिए आए हैं। आपको जूम कम करते हैं, उसका दिखाते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे देखने आते हैं। हमने बाघ को देख लिया, अब चीता देखना बाकी है। सांप घर नहीं, पहले देख चीता घर जाते हैं। चीता बाघ अलग होता है कि जोड़े होता है, जो भी हो कन्फ्यूजन है, एक देसी हो चीता बाघ। चीता को देखेंगे, अब बाघ को देख लिए हैं, एक वाइट में था, एक रेड और ब्लैक में था। देख सकते हैं काफ़ी इधर काफ़ी भीड़ है गाइस, देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, बहुत लोग आते हैं। इसमें भी कुछ है देखने को दिख रहा है, देखने को मिलेगा क्या, बाघ है इसमें, शेर है वहाँ पे, देख सकते हैं गाइस मुझे बाघ दिखा यहाँ पे, बहुत बड़ा बाघ है और यहाँ पे सोया हुआ है, यहाँ पे कुछ जाली उली भी नहीं लगा हुआ है, अगर छलांग मार के यहाँ पे लोगों पे हमला भी कर सकता है यहाँ पे। सो गाइस हमने आपको शेर बाघ चीता अदरक लहसुन सब दिखाया, अब सांप की देखने की बारी है, अजगर को देखने की बारी है। तो मैं आप सांप की प्रजाति को देखने जाऊँगा उधर, पहले इधर से घूम लेते हैं। इधर एक बहुत बड़ा बाघ दिखा जो आपको कुछ नहीं करेगा, आप उसके सामने कुछ भी कर लो, हग लो मतलब घूम लो फिर लो कुछ भी करो कुछ नहीं करेगा। देखो गाइस आपको शेर दिखाई पड़ रहा है, कहा इधर मेरे इधर देख यार हिम्मत तो देख, मैं तुम्हें खुला चैलेंज कर रहा हूँ। गाइस ये गिद्ध है, इसको जूम करते हैं। मैंने अपने दादा हो नाना हो चाचा हो चाची हो इनके मुझे। सो गाइस हमने गिद्ध को देख लिया और जाते हैं, और क्या देखेंगे पता नहीं क्या है, अजीब सा आवाज आ रहा है, अजीब सा आवाज आ रहा है, जैसे किसी को कोई जैसे कि शुगर है साला, कोई किसी को शायद कोई पीछे मारने की कोशिश किया जा रहा है, उस तरह का आवाज आ रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं देखने, काफी भीड़ यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, काफी भीड़ पहले भीड़ को दिखाते हैं, यहाँ पे काफी भीड़ है, तो लोग यहाँ पे देखने के लिए आए, हम भी आ गए हैं। पर यहाँ आने के बाद बहुत कभी कभी दुख भी होता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया, पर देखने के बाद दिल को सुकून मिलता है देखने से देखने से सुकून मिलता है।
कि अलग अलग गुणिल्ला देख सकते हैं गाइस। यहाँ भी गुणिल्ला बहुत गुस्सा में लग रहा है, हम लोग जहाँ भी जाते हैं सब गुस्सा में रहता है। ये देखिए ओए दिनेश, ओए राजकुमार, राजकुमार देख सकते हैं राजकुमार है, राजकुमार का दोस्त। अबे देख ये तुम्हारे जैसा लटक रहा है, ओ देख यार राजकुमार, हेलो ए राजकुमार यार छत हिला दिया, इधर देख इधर देख पूरा छत हिला दिया तुम्हारा दोस्त। ओ भाई ओ तगड़ा गजब का पिछवाड़ा दिखा रहा है, अपने गोरिल्ला देखा कैसा हरकत कर रहा है, तो आपको हम दिखाएंगे फ्रंट से। इधर उधर चलते हैं, इधर आएगा फिर धीरे आएगा। देख सकते हैं गाइस पीछे है मेरा, देख सकते हैं लोग इनको उड़ा रहे, तो कुड़ भी रहा देख सकते हैं गाइस, इधर आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। देख सकते हैं गाइस हमारी उड़ा रहा है राजकुमार, राजकुमार ओ राजकुमार हेलो। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं गोरिल्ला के सामने एक शुगर है, जो देख सकते हैं पूरा एकदम शुगर के जैसा आवाज निकल रहा है, देख सकते हैं। ओ यार शुगर का आवाज पूरा मैच कर रहा है गोरिल्ला से। दिनेश गोरिल्ला के साथ आवाज निकालो ना, आवाज निकालो यार, शुगर जैसे क्या निकल रहा है गोरिल्ला जैसे निकालो ना, देख सकते हैं गाइस यहाँ पर शुगर लेकर कर रहा है। सो गाइस देख रहे हैं यार चिंपैंजी आपको दिखाई पड़ रहा है मेरे सामने मेरे पीछे, देखते मैं कोशिश कर रहा हूँ इसकी आवाज निकालने का पर मुझे निकालने नहीं आ रहा है। तो गाइस कैसा आपको दिख रहा है आप लोग जरूर बताना। तो काफी लोग यहाँ पे आवाज चेंज मतलब चेंज करके बोल रहे हैं, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। चलो चलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी हम सांप की प्रजाति को देखने जा रहे हैं, आगे उसमें रास्ता है ना, तो यहाँ पे काफी भीड़ है चिंपैंजी को देखने के लिए। अभी सांप को प्रजाति को देखने जाएंगे हम, और देख सकते कितने सारे लोग हैं इसको देखने के लिए, और जो तरह तरह के जो उछल कूद करते थे लोगों को हंसी भी आ रहा, मज़ा भी आ रहा, तो लोग इंजॉय कर रहे हैं, मैं भी इंजॉय की हूँ, और हम दोनों ने भी काफ़ी इंजॉय किया है। तो अभी हम इंजॉय कितना करें, घर भी जाना है, 12 बज चुका है और 9 बजे से घूम रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हैं पीछे कितने सारे लोग यहाँ पे देखने चिंपैंजी को देखने के लिए आते हैं, और काफ़ी हद तक मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे कभी अगर टाइम फिर से मिलेगा तो मैं यहाँ पे घूमने ज़रूर आऊँगा। और इधर हम आपको दिखाएंगे तेंदुआ, दिखाते हैं तेंदुआ का भी प्रजाति दिखाएंगे। फर्स्ट टाइम जितना भी आप जानवर देखे, चिड़िया को छोड़ के चिड़िया भी कुछ जो नहीं देखे थे वो भी आज हमने देखा है। और ये तेंदुआ का बोर्ड है यार कि तेंदुआ है इसमें, देखते हैं सही चलना। तेंदुआ दिखाई पड़ रहा है तुम्हें, कहाँ पड़ रहा है? तो गाइस आप देख रहे हैं वहाँ पे तेंदुआ है, एक ही तेंदुआ है ना, दो को है, कहाँ उसके बगल में है, उस पट्टी से इधर दिखाते हैं गाइस, दो तेंदुआ है आपको इधर से सलाट ना तू देख सकते हैं गाइस दो तेंदुआ यहाँ पे, और तीन चार तेंदुआ ऊपर क्या कर रहा है आपको तेंदुआ दिखाया था, इधर चलते हैं ना, इधर कुछ होगा चलो ना, जब आए तो घूम ही लेंगे पूरा। ये कुत्ता है का, लगता है कोई कुत्ता को उठा कर ला दे, वो कुत्ता है फिर लग रहा, नहीं कुत्ता नहीं, लोमड़ी नहीं है, सियार है ये, लोमड़ी का दिन में है लंगड़ी मोटा होता है। मैं अपनी गाड़ी के पास जा रहा था तो मुझे कुछ दिखा यहाँ पे, सच में बहुत बुरा लग रहा है कि लोग बंदर की प्रजाति के, अरे मंकी की प्रजाति के, देखिए
देख सकते हैं कैसे कैसे इंसान बना है। साल पहले हम लोग ऐसी क्या कहता है चिंपैंजी के जैसे। अरे इसका नन्नू नहीं है। उसके बाद अरे इसका नन्नू नहीं है। 14 मिलियन के बाद थोड़ा सा प्रगति हुआ, उसके बाद 5 मिलियन के बाद 14 मिलियन 14 मिलियन मतलब हो गया साला कितना हो गया 14 मिलियन 140 पर देख सकते हैं। अच्छा ये भी बंदर था, ये भी बंदर था। तू तो एकदम गधा था, साला गधा का नहीं दिखाया इंसान। देख सकते हैं ये बंदर था पहले। गाइस आप लोग ने तो चिंपैंजी को इंसान बनते हुए देखा होगा, लेकिन कभी गधा को इंसान बनते हुए देखा है? मैंने देखा है यार मेरे सामने, आप लोग भी देखा है यार कर लोगे। गाइस गधा और इंसान में अंतर होता है, पर देख सकते हैं इसमें भी बताया है कि इंसान बंदर जो इंसान बना में अंतर तो होता है, लेकिन ये बता रहा है खुद ब खुद। बहुत सही है। सो गाइस हम लोग ने तो घर पे बहुत ज़्यादा सांप देखते थे, हम लोग घर पे दिन रात सांप देखते थे, यानी कि दो ही तीन प्रजाति है। दो ही तीन प्रजाति नहीं मतलब कि यार एक प्रजाति को तो रोज़ देखते हैं और घर में रहता है वो हटाइए। 10 मुंह कौन सा सांप होता है अजगर का? नहीं जो भी सांप हो इसमें हम इसमें जाने वाले हैं, इसमें अंदर घूमते हैं देखते हैं कितने प्रकार की प्रजाति का सांप यहाँ पे पाया जाता है। पहले अंदर देखते हैं इसका, ऊपर देखते हैं कितना बड़ा सांप है। अबे ये मरा हुआ है काटेगा वहाँ पे खेल रहा है। हाँ चलो पूरा देखा अजगर है ऐसे धामिन। गाइस ये धामिन जो प्रजाति का होता है वो हमारे इधर भी मिलता है देख सकते हैं, पर इसका कुछ अलग देखने को मिला है यहाँ पे देख रहे हैं गाइस। अच्छा नहीं लाइट नहीं दिख रहा है कोई, यहाँ भी है यहाँ पे देख सकते हैं लाइट के पास है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस बस 3-4 प्रजातियाँ देखने को मिला है और बहुत दुख हो रहा है मुझे, मुझसे पैसे ठग लिया गया है। 30 रुपये ठग लिया गया है। 3-4 प्रजाति कैसे हुए लोग को 30 रुपया दे के यार 5 घंटा घुमाए बोला कि पैसा ठग लिया है। तो गाइस हमने काफी 3-4-5 घंटे घूमने के बाद काफी चीज को दिखाने का कोशिश हम लोग किए हैं। तो अभी हम घर की ओर जा रहे हैं, मतलब घर जा रहे हैं, पहले गोल घर घूमेंगे और उसके बाद घर जाएंगे हम लोग। तो गाइस आप लोग को मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग पटना आते हैं तो आनंद ले सकते हैं, बहुत अच्छा जगह घूमने के लिए। और मैं भी काफ़ी आनंद और अच्छा लगा मुझे और बहुत आनंद आया मुझे और कहते हैं डियर। तो गाइस फाइनली हम लोग ने पूरा चिड़ियाघर को घूम लिया है और उसके बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 4-5 घंटा तक ला कंटिन्यू घूमे और यहाँ पर बहुत बड़ा क्या कहते हैं चिड़ियाघर है। और अगर आप लोग पटना अगर आते हैं तो चिड़ियाघर घूमना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही आपको नया चीज़ देखने को मिलेगा। मंकी हो गया आप रियल में देख सकते हैं, तो हम लोग भी देखे हैं, एंजॉय भी किए हैं, बहुत मस्ती भी किए हैं, बहुत मजा आया। तो हम लोग हम कहीं जाने वाले हैं तो वहाँ का भी कुछ आप लोगों को व्यू दिखाएंगे हम और बताएंगे नहीं जाने के बाद आपको दिखाएंगे। चलिए आगे चलते सुनते हैं पेपरों में न्यूज़ में देखते हैं वो हम आपको हम रियल में आज दिखाए हैं और आप लोग ब्लॉग देख लेना और पूरा देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक मारना, कमेंट करना, शेयर करना। गाइस एक चीज जरूर बताना कि हम लोग ने क्या मिस कर दिया, यानी कि क्या हम लोग ने नहीं देखा, उसका वीडियो नहीं बनाया, हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग भी अगर नहीं देखे होइएगा तो ये भी हमको कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको पटना आना होगा तो इस मौका को कभी नहीं खोइएगा, यहाँ पे आके आप पटना का चिड़ियाघर को घूमिएगा जरूर, यहाँ पे बहुत मजा आता है घूमने में। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कहीं जाने वाले थे टाटा बाद में, पहले कहीं जा रहे हैं उसका भी दिखाएंगे आपको। चलो ये तो हम जा रहे हैं अभी गाड़ी लेंगे, उसके बाद कहीं जाएंगे और जगह जाएंगे घूमने, कुछ नए जगह पे यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ घूमे थे। इस पूरे घूमने के बाद मुझे रेस्टोरेंट भी दिखा, इसमें मैं जाता हूँ खाना खाऊंगा और वहाँ पे मोबाइल का यूज नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ऐसे लौंडे लौंडिया हैं जो अपनी बाप से छुपा कर आए हैं, तो शायद उसका प्राइवेसी बाहर आ जाएगा, तो इसलिए हम उसको नहीं दिखाएंगे। तो चलते हैं खाने चलते हैं पहले, आप देख सकते हैं पीछे रेस्टोरेंट है। सो गाइस हमने काफ़ी समय घूमा और काफ़ी समय मुझे हम लोग का घूमने में लगा, तो हम लोग घूमते हुए अब घर जा रहे हैं, काफ़ी पैर भी दुख रहा है और तो घर जाएंगे सीधा, पहले बैग लेंगे यहाँ से यहाँ रूम से जहाँ पे मैं रात भर हम लोग ठहरे थे वहाँ से रूम से बैग लेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। तो देख सकते हैं गाइस हम लोग आ चुके हैं गेट पे और निकलेंगे, अपना बाइक लेंगे और उसके बाद जाएंगे घर, निकलने की जगह उसमें है, सीधा निकलेंगे ना।
तो गाइस हम लोग घुसे थे इस होकर ये होकर और निकलेंगे इधर से, देख सकते हैं निकलेंगे इधर से हम लोग और जा रहे हैं अपना गाड़ी लेंगे उस पर जाएंगे घर। तो हम लोग का गाड़ी किधर है? तो गाइस हम लोग का दिख गया गाड़ी, जो गाड़ी बोलते हैं बाइक। तो गाइस मैं अपने गाड़ी के पास जा रहा हूँ, बाइक के पास जा रहा हूँ, गाड़ी निकालेंगे उसके बाद जाएंगे घर जाएंगे। तो देख सकते हैं गाइस हम लोग का गाड़ी यहाँ पे है, इसमें हेलमेट और गाइस तो हम लोग का गाड़ी यहाँ पे है, निकालेंगे उसके बाद जाएंगे घर की ओर। निकालो निकालो निकालो। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घूमने कहीं दूसरी जगह, दूसरी लोकेशन पे, देख सकते हैं यहाँ पटना जोन इसका गेट है। तो हम लोग जा रहे हैं घर। तो गाइस देख रहे हैं पटना का बड़ा जो हाई ब्रिज है वहाँ का नज़ारा ये देख सकते हैं। ये देखिए गाइस हम लोग गोलघर पे जाने वाले थे, नहीं गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे, तो हम लोग जाने वाले थे नहीं गए हैं, तो अब घर जा रहे हैं क्योंकि लेट बहुत हो चुका है, तो हम लोग घर जा रहे हैं अभी। अभी हम रास्ते में आ गए, पटना से 50 किलोमीटर वैशाली जिला में है, अभी कौन सा गांव मुझे नहीं पता है, पर अभी अब घर जा रहे हैं हम लोग। तो बहुत मज़ा आया घूमने में, तो थोड़ी दूर बच्चे का घर से, उसके बाद हम आपको पूरी दिखाएंगे अपने पिलखी पुल का, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। ये गाइस गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अपने घर और गाड़ी लगा दी है नीचे और जाते हैं सोएंगे मुँह धोकर, पहले मार्केट जाते हैं घूम कर आते हैं क्योंकि बहुत चले तो थोड़ा और चल लेते हैं। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे बंद करते हैं, उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बहुत सारे शेयर करना यार, बहुत मेहनत लगा है, 5-6 घंटे घूमना पड़ा पूरे जंगल में घूमते भुगाते, तो आप लोग वीडियो देख ही लिए हो, तो कितना मेहनत लगा आप तो देख लिए हो वीडियो में कितना मेहनत है। तो गाइस अभी हम घर पहुंच चुके, बहुत थके हुए, ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा है, तो जाकर सोते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद अगले ब्लॉग में मिलते हैं। और गोलघर घूमने नहीं गए हैं क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था और घर भी आना था, शाम हो चुका है, आते आते बहुत जाम था आज, तो ब्लॉग यहीं पर बंद करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तक बाय बाय।